वडोदरा शहर में दिन प्रतिदिन तेज रफ्तार बन रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 854 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर दर्दियों का आंक 44,065 को पार होने के साथ आज भी 8 लोगों की कोरोना संक्रमण में मृत्यु दर्ज की गई है। वडोदरा शहर के लिए अब पूरी तरीके से गंभीर और जानलेवा बन चुके वैसे ये संक्रमण के बीच आज भी 854 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 44,065 को पार हो चुका है। आज भी 8 जितने लोगों की कोरोना संक्रमण में मृत्यु दर्ज की गई है। कुल मिलाकर अभी तक 375 जितने लोगों की मौत हो चुकी है। आज 568 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। कुल मिलाकर अभी तक 35,984 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान कॉरपोरेशन द्वारा विविध विस्तारों से 9,927 जितने लोगों के सैंपल लेते हुए 854 पॉजिटिव दर्ज हुए हैं। आज नए बने कोरोना पॉजिटिव विस्तारों में से प्रतापनगर, दंतेश्वर, गोरवा, अटलादरा, निजामपुरा, तरसाली, सियाबाग, राजमेल रोड, वड़सल, समा, अकोटा, कारेलीबाग, जेतलपुर, वाड़ी, यमुनामिल, माणेजा, रावपुरा, किशनवाड़ी, मांजलपुर, नागरवाड़ा, हरणी, छानी, सुभानपुरा, ओपी रोड, अलकापुरी, आजवा रोड, नवापुरा तथा वडोदरा के ग्राम्य वागोड़िया, लिमड़ा, पादरा, सावली, करजन, डबोई, कोयली, डोड़का, रणोली, सेवासी, वेमार, साधी, पदमला, अनगढ़, करोड़िया, फाजलपुर, आसोज, वेमाली, दुमाड़, भायली, रतनपुर, वडदला, सयाजीपुरा, कणधा, बेल, खटम्बा, मारेठा, सेवासी, सेरखी, इटोला, अंकोड़िया, पौर, उंडेरा, छतराल, दशरथ आदि विस्तार से कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए थे।